देख के आप समझ ही गएंगे क्या होने वाला है। सो आज का वीडियो मैं आपको बता देती हूँ, हेयर एक्सटेंशंस के ऊपर होने जा रहा है। डरिए मत, यहाँ मैं कोई हेयर एक्सटेंशन नहीं करने वाली हूँ, यहाँ मैं परचेज करे हैं ऑनलाइन वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सीरियसली गाइज, इन एक्सटेंशंस ने ना मेरी तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है। जब मुझे कर्ल्स करने का मन होता है तो मैं कर्ल वाली एक्सटेंशन यूज़ कर लेती हूँ, जब मुझे स्ट्रेट हेयर्स चाहिए होता है तो मैं स्ट्रेट वाले एक्सटेंशन यूज़ कर लेती हूँ, जब मुझे लॉन्ग पोनीटेल यूज़ करनी होती है अपनी तो मैं लॉन्ग पोनीटेल वाली एक्सटेंशन यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह की बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लेंथ, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग काफ़ी डिफरेंट एक्सटेंशंस मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑनलाइन एक्सटेंशंस। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे कहीं तो थोड़ा सा प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। आई होप आपको भी ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल करे। सो यहाँ मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी फर्स्ट हेयर एक्सटेंशन सी। सो ये है वो हेयर एक्सटेंशन जो मैं आपको आपसे बात कर रही हूँ। दिस इज इन ब्लैक कलर और ये है पोनीटेल हेयर एक्सटेंशन। आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पे आता है जो आपके हेयर्स को बहुत इजीली, और इस तरीके का ये है हुक, आप इसे अपने पोनीटेल में इस तरह के फंसाइए और अपनी पोनीटेल के ऊपर इस तरीके से इसको लगा दीजिए एंड यू गुड टू गो। आई विल शो यू, इट्स वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। और ये देखिए, सो यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही इजी तरीके से लगा लिया। ये देखिए, इसको मैंने इस तरीके से ये जो इसमें हुक है यहाँ फंसाया और मेरी पोनीटेल देखिए कितनी अच्छी लेंथ है। तो ये लेंथ, साइज सब कुछ अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं। इट्स वेरी इजी और बहुत ही कंफर्टेबल, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ, मेकअप वीडियोस बनाती हूँ, या मुझे पर्सनली भी खुद भी बहुत लॉन्ग हेयर्स बहुत पसंद है। तो अगर आप अपने हेयर्स में थोड़ा सा वॉल्यूम चाहते हैं, कुछ इस तरीके से आपको रिक्वायरमेंट है, कुछ डिफरेंट लुक क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस तरीके की एक्सटेंशन डेफिनेटली आपको बहुत काम आने वाली है। तो दिस इज माय फर्स्ट एक्सटेंशन जो कि बहुत इजी है, इसे वेयर करना बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। सो मूव ऑन करते हैं अपनी सेकेंड एक्सटेंशन की तरफ, जो कि है स्ट्रेट हेयर। और उस मुझे थोड़े से कलरिंग हेयर्स चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट हेयर की एक्सटेंशन ली थी। लुक एट दिस, और इसमें इस तरीके का कलर है, आपको आई थिंक दिख रहा हो थोड़ा बहुत। और ये बहुत इजी टू कैरी है, इजी टू वेयर है, बहुत आसानी से आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही लाइट ब्राउन कलर का इसमें कलर है। अगर आपको अपने हेयर्स डैमेज नहीं करने हैं और अगर आप कलरिंग भी चाहते हैं तो आप इस तरीके का एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल, सकते हैं इस तरीके की टिक टैक पिंस होती हैं, जिस तरीके से उस तरीके से यहाँ आपको 1 2 3 4 5 पिंस मिलती हैं। आप इन्हें अपने बालों में इजीली कहीं पे भी लगा के इसको ओपन करके ऐसे बंद कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजी हो जाता है लगाना। कैसे इनको लगाना है, आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाफ पार्टीशन लेके अपने हेयर्स को लेंथ ही दिखाना है, तो इस तरीके से इन हेयर्स को आप कर लीजिए पहले अलग, और इसके बाद इट्स वेरी सिंपल, जस्ट इन मिनट, 5 मिनट्स नहीं, जस्ट इन मिनट ये बहुत सुंदर तरीके से आपके बालों में लग जाएंगे। अच्छा, आ रही, देख सकते हैं आप कितने सुंदर मेरे बालों में ही मैच हो गया है। और ये देखिए, आप कहीं कहीं कलर्स दिख रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सटेंशन की तरफ, जो कि अगेन इस तरीके के कलर्स वाली एक्सटेंशन है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाईलाइटिंग है। ये मैंने रिसेंटली एक अपने उसमें यूज़ भी करी थी, तो मैं पिक्चर शो कर दूँगी। और इसमें भी इस तरीके के क्लिप्स हैं, आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मुझे ना कर्ल्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें ये जो एक्सटेंशन है इसमें कर्ल्स हैं, और इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सटेंशन। अगर आपको कर्ल्स पसंद है आप कर्ल्स वाली एक्सटेंशन लगा सकते हैं, अगर आपको स्ट्रेटन हेयर चाहिए तो आप स्ट्रेट वाली एक्सटेंशन लगा सकते हैं, अगर आपको पोनीटेल चाहिए तो आप पोनीटेल वाली एक्सटेंशन लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी आपके हेयर्स को डैमेज होने से बचाता है, साथ ही साथ अलग अलग लुक्स भी आपको प्रोवाइड करता है। सो एक्सटेंशन में इस तरीके का क्लचर
आपको जस्ट अपने हेयर्स में अपने क्लचर को इस तरह से लगा लेना है और यू गुड टू गो। आप देख सकते हैं इस तरीके के कर्ल्स मिल जाएंगे। ये आप अपने पोनीटेल की हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं और ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आपके हेयर्स एक्सटेंशन निकल के गिर जाएं। चाहे आप कितना भी डांस कर लो, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, ये बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं अच्छे से, जब आप चाहोगे तब ही निकलेंगे। और अगर आपको इनकेस कहीं लगता है कि हेयर एक्सटेंशंस यूज़ करना इतना ईजी नहीं है, तो आप जूड़ा पिन, बॉबी पिन, इस तरीके की जो पिन्स होती हैं वो अपने हेयर्स में असेंबल कर लीजिए अच्छे से, उसको टाइटली पुटअप कर लीजिए अपने हेयर्स में, ताकि बिल्कुल भी आपके हेयर्स एक्सटेंशंस हिलेंगी नहीं वहाँ से। ये कुछ एक्सटेंशन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।